अभी नहीं, कोई बात, कोई बात नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग? चलिए, सुमित पाल जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आवाज आने लगी मेरी? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, जल्दी बताएं। आ रही है आवाज? चलिए, अब मैं बोलना स्टार्ट किया हूं तो अब आने लगी है। चलिए जी, जरूर व्हाट्सएप स्पीच से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी यहां पर ये जो क्लास चल रही है ये आपके लिए नहीं है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये आपके टीजीटी पीजीटी वालों के लिए है। यदि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट से पढ़ना है तो आपको आना पड़ेगा 12 से 1 और 5 से 6 की क्लास में, ठीक है ना। वहां पे हम लोग ग्रामर स्टार्ट कर चुके हैं और ग्रामर पढ़ रहे हैं, अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस के जस्ट बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रामर, ठीक है सुमित जी? ओके दोस्त, तो ये क्लास आपके लिए नहीं है, ये आपके टीजीटी पीजीटी वालों के लिए है क्लास, ठीक है जी। चलिए तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं एक बार फिर से। थॉमस स्टर्न इलियट, पिछली तीसरी क्लास है इनकी, और एक बार फिर से हम लोग पहले इनके बर्थडे के बारे में पढ़ते हैं। 26 सितंबर 1888, कहां पे? सेंट लुइस मिसौरी यूनाइटेड स्टेट्स में इनका बर्थ हुआ था।
हाँ जी, एनडीए वालों के लिए शाम को 5 से 6 की क्लास सुटेबल है, ठीक है जी। उसके बाद बताइए डेथ, डाइड फॉर डाइड ऑफ इम्फिजिमा इम्फाइजिमा ऑन January 4, कब इनकी डेथ हुई मेरे दोस्त? 4 जनवरी को हुई इम्फाइजिमा डिजीज के कारण, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और बनाता है आपके टीजीटी पीजीटी में कि मेरे दोस्त प्रेपोजिशन डाई के साथ अगर कोई डिजीज होता है तो ऑफ लगाते हैं, लेकिन डाई के साथ में अगर रीजन होता है तो उसके लिए हमेशा हम फॉर फ्रॉम लगाते हैं। जैसे मेरे दोस्त एक बात कर लीजिए कि जैसे ही डाइड फ्रॉम हंगर, ही डाइड फ्रॉम ही डाइड फ्रॉम यू कैन से दैट हार्ट अटैक। हार्ट अटैक एक ऐसा डिजीज होता है जिसके साथ में ऑफ नहीं आता, जिसके साथ में फ्रॉम का यूज कर दिया जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो मेरे भाई आपको इस बात को हमेशा से ध्यान देना है, ये ग्रामेटिकल एरर है। किसी भी डिजीज, कोई भी डिजीज हो, चाहे वो आपका डिजीज, चाहे वो क्या हो, आपका फीवर हो, कोरोना हो, इम्फाइसिस क्या हो रहा है, इम्फाइसिमा हो, कोई भी डिजीज हो मेरे दोस्त, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑफ। ये भी आपके एग्जाम में पूछता, कोई रीजन होता है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फ्रॉम। पेरेंट्स, पेरेंट्स में हिज फादर हेनरी वेयर एलियट वॉज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन प्रेजेंट एंड ट्रेजर ऑफ द हाइड्रोलिक, ठीक है जी। अगला बताइए, प्रेस ब्रिक कंपनी इन सेंट लुइस हिज मदर चार्लोटे एंड चैम्पेस्टन्स वाज अ पोएट, और इनकी मां एक पोएट थी और सोशल वर्कर थी, और इनका जो एजुकेशन हुआ वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड मैटोन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से हुआ है, और इनकी स्पाउस जो इनकी वाइफ रही है वो कौन रही है? वीने हाई वुड रही है, लेकिन इनकी डेथ हो जाती है, फिर इनकी दूसरी शादी होती है वो 1957। ये कई बार एग्जाम में पूछता है कि इनकी दूसरी वाइफ का क्या नाम है, कई बार ये एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी हो सकता है आए भी आप के सामने। तो मेरे दोस्त इनके ऑनर्स क्या क्या है जरा बताइए, ये खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। 1948 में इनको नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर के लिए, और 1948 में ही इनको ऑर्डर ऑफ प्राइड ऑर्डर ऑफ मेरिट भी इनको एक अवार्ड के रूप में मिला। ऑक्यूपेशन 20th century, जिसे हम लोग मॉडर्न एज कहते हैं। अगर इनसे कोई पूछता है इनके बारे में कि ये कौन से पोएट थे, तो इन्हें हम लोग मॉडर्न एज पोएट कहते हैं एंड राइटर कहते हैं, ठीक है जी। आवाज आ रही है ना? ठीक है भाई, चलिए। चलिए दोस्त आइए देखते हैं। तो ये रहा, अब उसके बाद हम लोग पिछली क्लास में इनके वेस्टलैंड के बारे में पढ़े थे, द वेस्टलैंड, जो कि एक क्रिटिसिज्म है इलियट साहब की, ये बहुत ही फेमस रही है, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। तो आज हम लोग इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 40 से 45 मिनट की क्लास आपकी होने वाली है, इसलिए क्योंकि मेरे दोस्त इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, आज सिर्फ इनके लास्ट उन क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, आपके पीजीटी में, नेट में, जेआरएफ में, एनवीएस में जो पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं, इन विच ईयर वॉज टीएस इलियट अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने पढ़ा, कब मेरे दोस्त? 1948 में इनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में, और 1948 में ही इनको ऑर्डर ऑफ प्राइड भी मिला था। अंडरस्टैंड क्लियरली? सो मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय टीएस इलियट, कौन सा वर्क टीएस इलियट के द्वारा नहीं है? द वेस्टलैंड इनका बहुत ही फेमस है, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक भी इन्हीं का है, उसके बाद आता है द होलो मैन भी इन्हीं का बड़ा फेमस है, द ग्रेट गेस्ट बाई इनका नहीं है। यही आपका यहां पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नॉट वर्क बाय टीएस इलियट, कौन सा टीएस इलियट के द्वारा यह वर्क नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अगले में, इन विच कंट्री वॉज टीएस इलियट बॉर्न, कौन से कंट्री में पैदा हुए थे वो?
नॉट इन इंग्लैंड, नॉट इन स्कॉटलैंड, नॉट इन आयरलैंड, ही वॉज गॉट बर्थ इन यूनाइटेड स्टेट्स। कहां पे? मिसौरी यूनाइटेड स्टेट्स में उनका जन्म हुआ था। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है? विच लिटरेरी मोमेंट वॉज टी एस इलियट एसोसिएटेड विद? कौन से लिटरेरी टर्म्स के, कौन से एज से, कौन से सिचुएशन से वो बिलोंग करते थे? ही वॉज नॉट रोमेंटिसिज्म, ही वॉज नॉट रियलिज्म, ही वॉज फ्रॉम मॉडर्न इज्म। ही वॉज फ्रॉम मॉडर्न एज, सो मॉडर्निज विल बी दिस क्वेश्चंस आंसर। अंडरस्टैंड डियर? चलिए इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो अगला आता है, व्हाट वाज द नेम ऑफ टी एस इलियट्स सेकेंड वाइफ? देखिए आ गया ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि टी एस इलियट के सेकेंड वाइफ का क्या नाम था। तो क्या नाम था मेरे दोस्त? ये तो उनकी पहली वाइफ है विवीने वुड, ये उनकी पहली वाइफ है तो ये नहीं हो सकता। इमिली हेल, ये इनके कैरेक्टर में कहीं आता ही नहीं है। आता है क्या? वैलरी इलियट। क्या नाम था मेरे दोस्त? वैलरी इलियट नाम था। ऑप्शन सी विल बी फुली करेक्टेड। अंडरस्टैंड? अगला बताइए, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइन फ्रॉम टी एस इलियट्स द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफोग? ये कहां से, लव अल्फ्रेड प्रूफोग जो है ये कहां से लिया गया है मेरे, बताइए इनकी लाइन किससे है, कौन सी लाइन है जरा ये बताइए। डू नॉट गो जेंटल इन टू दैट गुड नाइट, दैट गुड नाइट। तो मेरे दोस्त ये क्या हो जाता है मेरे दोस्त, ये आपका गलत है। इन द रूम द वुमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ मिकेलेंगलो। सो जरा आप लोग बताइए इसमें क्या आता है मेरे दोस्त, यही वाली लाइन इनसे है। सो मेरे बच्चे आपका ऑप्शन मेरे दोस्त हो जाएगा बी। अंडरस्टैंड? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ टी एस इलियट्स फर्स्ट बुक? टी एस इलियट के पहले बुक पोएट्री का क्या नाम था? नॉट द वेस्टलैंड, वेस्टलैंड नहीं था, ये नहीं हो सकता। दैट वॉज द प्रूफ्रॉग। क्या था? प्रूफ्रॉग एंड अदर ऑब्जर्वेशन, यही उनकी पहली पोएट्री, जो पोएट्री जो उन्होंने लिखा था वो यही था। क्या? प्रूफ्रॉग। ठीक है जी, अगला वर्ड आता है मेरे दोस्त, अगला सेंटेंस आता है, क्या है बताइए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्शन ऑफ टी एस इलियट्स फोर क्वार्टर्स? यहां पे जो क्वार्टर्स है ये कौन सा इनके इस सेक्शन से नहीं है बताइए? बर्ट नॉर्टन ये तो है, ईस्ट कुकर ये भी है, लिटिल गिडिंग ये भी है, द होल मैन नहीं है, द होल मैन नहीं है फोर क्वार्टर्स से। ठीक है जी, यही नहीं है, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इन विच ईयर, इन विच ईयर वॉज टी एस इलियट्स द वेस्ट लैंड फर्स्ट पब्लिश्ड? टी एस इलियट का जो है वेस्ट लैंड पहली बार कब पब्लिश हुआ, किस सन में पब्लिश हुआ? देखिए ये भी क्वेश्चन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर आप लोग बताइए, इज दैट 1915? नो। इज दैट 1922? यस इट इज। व्हाट? 1922 में द वेस्ट लैंड इनका पब्लिश हुआ, टी एस इलियट साहब का बहुत ही फेमस। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द लिटरेरी जर्नल फाउंडेड बाय टी एस इलियट इन 1922? कौन सा था? दैट वॉज क्राइटेरियन। वो क्या था? एक क्राइटेरियन था, क्राइटेरियन था जो लिटरेरी जर्नल फाउंड किया गया था। जरा आप लोग बताइए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्कड बाई टी एस इलियट वॉज रिटन इन कोलेबोरेशन विद आइगोर स्ट्रिंग स्ट्रेविन स्काई, स्ट्रेविन स्काई स्काई? जरा बताइए। द वेस्ट लैंड? नो इट इज नॉट, इट इज द वेस्ट लैंड तो उनको खुद से उन्होंने लिखा था, अकेले लिखा था विदाउट किसी के सहयोग से। द होलो मैन वो भी उन्होंने स्वयं लिखा था, ये भी नहीं हो सकता। हाँ, द
राइट ऑफ, द राइट ऑफ या द रीत, लेकिन राइट पढ़ेंगे आपको, द राइट ऑफ स्प्रिंग, ये आप वो जो है इगोर स्ट्रेविंस्की के कोलैबोरेशन के सहयोग से इन्होंने इसको लिखा था. What was the name of T.S. Eliot's play that explores the assassination? Assassination का मतलब होता है हत्या, murdered, murdered. Understand? Assassinate इसी word से बनता है. Of Archbishop Thomas Becket. जरा बताइए इसमें क्या word use करते हैं? The curtail party है जो उनको, जिसमें हत्या की बात की जाती है, नहीं, ये तो एक 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 कॉमेडी टाइप में है. द फैमिली रियूनियन है, नो, इसमें भी हैप्पीनेस की बात की जाती है. द मर्डर इन द कैथेड्रल, इसमें क्या होता है, धोखे से जो वहां का राजा होता है उसकी हत्या कर दी जाती है, तो इसी में असासिनेशन की बात की जाती है. टी.एस. एलियट साहब विलियम शेक्सपियर साहब से काफी प्रभावित थे, हेमलेट में, एज यू लाइक इट में, बहुत सारी उनकी ट्रेजडीज ऐसी रही है जो उन्हीं के जैसे सिमिलर बताई गई है. ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी. ठीक है, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ टी.एस. एलियट लास्ट कंप्लीटेड वर्क पब्लिश्ड पोस्थमसली इन 1965. देखिए इसमें कहने का मतलब क्या है कि कौन सी ऐसी उनकी कंप्लीट वर्क है जो उनके मरने के बाद. देखिए मेरे दोस्त, पोस्थमस हम लोग कल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़े थे, इसका मतलब होता है द चाइल्ड गॉट बर्थ आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, एक ऐसा बच्चा जो अपने पिता के मरने के बाद जन्म लेता है, तो मेरे दोस्त उसे हम लोग पोस्थमस कहते हैं, पिता मरणोपरांत पैदा होने वाला. तो मेरे दोस्त अब कहने का मतलब क्या है कि ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं यूज होता, बल्कि मान लीजिए कि कोई पोएम लिखी गई है, कोई कहानी लिखी गई है, कोई वर्क है, वर्क्स है, अगर वो ऑथर के मरने के बाद पब्लिश होती है तो उसे भी हम लोग पोस्थमसली या पोस्थमस बोल सकते हैं, और बोलते भी है, बोल सकते नहीं क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अब ये नहीं देता है, ये लाइन नहीं देती है, दिया जाता है कि द चाइल्ड विच गॉट बर्थ आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, अब ये दिया जाता है द बुक इज बींग पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर, मतलब एक ऐसी किताब जो ऑथर के मरने के बाद पब्लिश किया जाए. इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त, एक ऑथर जो किताब लिखता है, इसका मतलब उस किताब का जन्मदाता ऑथर ही होता है, इसका मतलब उस किताब के पिता कौन है, वो ऑथर है, तो कहने का मतलब एक ही होता है. तो आजकल इस तरीके से बताया जाता है तो वो उनके मरणोपरांत कौन सी किताब, कौन सा उनका वर्क पब्लिश हुआ. वेस्टलैंड तो उनके साथ पब्लिश हुआ, फोर क्वार्टर्स भी उनके साथ में हुआ, इसमें हुआ था मेरे दोस्त एल्डर स्टेट्समैन, यही जो होता है ये उनके मरने के बाद पब्लिश हुआ था. बात समझ में आया, ये वर्क. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइन फ्रॉम टी.एस. एलियट, टी.एस. एलियट्स द वेस्ट होलो मैन, कौन सा है द होलो मैन, कौन सा लिया गया. दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, Not with the bang but a whisper. देखिए ये संसार की चीजें जो है दिखाई तो नहीं देती, लेकिन बहुत सारी चीजें आपके सामने क्या होती रहती है, प्रतीत होती रहती है. तो एक बार ठीक है दोस्त, तो चलिए देखते हैं. तो कहने का मतलब एग्जैक्ट चीजें यही है. अब आगे देखते हैं अगला सेगमेंट, और इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है. व्हाट वाज द नेम ऑफ द लिटरेरी ग्रुप ऑफ विच टी.एस. एलियट वाज अ पार्ट अलोंग विद अदर राइटर्स सच एज जेम्स जॉयस एंड इज़रा पाउंड, कौन सा. ये उन्होंने ब्लूम्सबरी ग्रुप, ये खुद स्वयं लिखे थे, द इंकलिंग सेम लिखे थे,
इमेजिस्ट सेम लिखे थे, अकेले लिखे थे, तो इसमें था मॉडर्निस्ट। कैसे होंगे? मॉडर्निस्ट है, मॉडर्निस्ट मतलब मॉडर्न पर्सनालिटीज पर्सन, ठीक है जी, मॉडर्निस्ट, मॉडर्न से बनता है मॉडर्निस्ट, अंडरस्टैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज बाय टीएस इलियट, कौन सा है कलेक्शन जरा बताइए। प्रूफ्रोक एंड अदर ऑब्जर्वेशन, प्रूफ्रोक एंड अदर ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंड क्लियरली। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? नो डाउट शुड बी टेकन। ये होगा? नहीं 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 नहीं, ऐसे की बात हो रहा है, ये तो पोएम है। अगला द सेक्रेड वुड, हाँ ये है ऐसे, वेस्टलैंड भी पोएम है, ठीक है ना, अदर पोएम्स एंड फोर क्वार्ट्स भी पोएम है, तो इसमें यही एक है जो क्या है ऐसे है, इनका क्या है वो, द सेक्रेड वुड। इन विच ईयर वॉज टी एस इलियट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द पब्लिशिंग हाउस फेवर एंड फेवर, कौन से सन में? 1935 में ये वहां के डायरेक्टर बने थे, अपॉइंट हुए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय टी एस इलियट वॉज इंस्पायर्ड बाय हिज विजिट टू सिस्टीन चैपल इन रोम, सिस्टीन चैपल इन रोम, जरा बताइए। द वेस्ट लैंड, नहीं, फोर क्वार्टेट्स नहीं, एस वेडनेसडे, यस यस, एस वेडनेसडे था जो उस टाइम पे उनको इंस्पायर्ड किया हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइन फ्रॉम टी एस इलियट्स द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक, जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक, तो जरा मेरे दोस्त बताइए उसमें क्या हो रहा है। ऑप्शन ए, डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स, क्या हम डिस्टर्ब करने, मतलब जो इलियट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या उनके लिए हम लोग इनको डिस्टर्ब करते हैं? Which of the following is the theme explored in T.S. Eliot's Four Quarts? कौन सा है जरा बताइए, एक्सप्लोर करता है, बढ़ाता है। द aftermath ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, नो, द नेचर ऑफ टाइम एंड द ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ इट, बहुत बढ़िया, यही हो जाएगा। नेचर ऑफ टाइम, जब आप लोग, हम लोग नेचर पे समय देते हैं, प्रकृति पे समय देते हैं, तभी तो ये सारी चीजें क्रिएट होती हैं। बोलो हाँ कि ना जी, एक एक बातें क्लियर चल रही है हम लोगों के सामने, समझ लीजिए। तो अगला आप लोग बताइए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्या कह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द टी एस इलियट्स राइटिंग, कौन सा मेजर था? दैट वॉज रोमेंटिसिज्म, नहीं, दैट वॉज क्लासिसिज्म, क्या था मेरे दोस्त? क्लासिसिज्म था, अंडरस्टैंड क्लियरली। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? नो डाउट शुड बी टेकन इन योर माइंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइटल ऑफ टी एस इलियट्स फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स, फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स, तो जरा आप सभी लोग बताइए, इसमें द वेस्ट लैंड होगा, गलत है। प्रूफ्रोक एंड द अदर ऑब्जर्वेशन, यस, यही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइन फ्रॉम टी एस इलियट्स द वेस्ट लैंड, कौन सी लाइन है टी एस इलियट के वेस्ट लैंड से, बताइए। दैट इज दैट द राइटर इवनिंग सेटल्स डाउन विद स्मेल ऑफ स्टीक्स इन पास पैसेज वेज, नो, अप्रैल इज द क्रूवलेस्ट मंथ, यस ये है, अप्रैल इज द क्रूवलेस्ट मंथ, अप्रैल एक कैसा मंथ है, क्रूवलेस्ट मंथ है। वॉट वॉज द टाइटल ऑफ टी एस इलियट्स फर्स्ट प्ले, टी एस इलियट के फर्स्ट प्ले का टाइटल क्या है जरा बताइए। दैट वॉज माई डियर, दैट वॉज द मर्डर इन द कैथरेल, क्या है, मर्डर ऑफ कैथरेल है, अंडरस्टैंड क्लियरली।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइन फ्रॉम टीएस इलियट्स फोर क्वार्टेट्स क्वार्ट्स। जरा बताइए इसमें क्या वर्ड यूज करेंगे, कौन सा है क्वार्ट्स से लिया गया है, कौन सी ऐसी लाइन है। आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट, नहीं ये तो है ही नहीं, ये तो हैमलेट से है। इन माई बिगिनिंग इज माई एंड, मेरा शुरुआती ही मेरे अंत पर निर्भर होता है। जितना अच्छा हम शुरुआत करते हैं वही निर्भर करता है अंत को, किसको, अंत को निर्भर करता है। बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है जी, चलिए मेरे दोस्त आगे हम लोग बात करते हैं। Which of the following poem by T.S. Eliot is considered a modernist masterpiece? Modernist masterpiece, जरा आप लोग बताइए कि modernist masterpiece है The Westland। इनका Westland ही उनके लिए एक modernist masterpiece है, जिसके लिए वो लोग वो masterpiece कहे जाने लगे, मतलब expert कहे जाने लगे, सभी writers के बीच में वो जाने जाने लगे। Everyone known to him. What was the title of T.S. Eliot's most famous critical essay published in 1919 में? उनकी कौन सी बहुत ही फेमस फेमस जो ऐसे था, क्रिटिकल ऐसे फेमस हुआ, पब्लिश हुआ, दैट वॉज ये लव सॉन्ग तो आपका पोएम है, वेस्टलैंड तो ऐसे है लेकिन ये है नहीं, ये होगा द ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। क्या है? द ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन थीम इन टीएस इलियट्स पोएट्री? क्या है कॉमन थीम, जरा बताइए, देखते हैं आप सभी लोग। व्हाट आर यू कमेंटिंग हियर मैन, फटाफट बता दीजिए। हम बता रहे हैं कि आपको टीजीटी, आपको पीजीटी में, टीजीटी में तो बहुत ही फोर राइटर्स हैं, उनको पढ़ना बहुत ही आसान है और मोस्टली फोकस करना है आप लोगों को। और टीजीटी में एक प्लस पॉइंट और भी होता है, टीजीटी में लिटरेचर कम आता है, ग्रामर जाता है ज्यादा आता है, लेकिन पीजीटी में लिटरेचर ज्यादा आता है, ग्रामर कम आता है। तो मेरे दोस्त इसीलिए टीजीटी में हम लोग ये सेगमेंट्स पढ़ेंगे और नियरली हम लोग ये करने वाले हैं कि अब जो छोटे छोटे राइटर्स हैं उन राइटर्स को हम लोग एक एक दिन में निपटा लेंगे, उसके बाद अब अगले टर्न से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब जाके उससे रिलेटेड हम लोगों को क्वेश्चंस भी मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से आप ऐसे क्वेश्चन बना देता है जिसे हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये कैसे होगा, किस तरीके से होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन थीम इन टीएस इलियट्स पोएट्री? तो कौन सी कॉमन थीम्स है बेटा? दैट इज द ब्यूटी ऑफ नेचर, नहीं। द जॉयज ऑफ लव, नहीं। द इम्पटीनेस एंड डिस्पेयर ऑफ मॉडर्न लाइफ, यस एकदम। जहां पे मॉडर्न लाइफ की बात करी जाने लगे वहां पे टीएस इलियट्स को तुरंत आपको टिक डाउन करना है। क्या करना है? टीएस इलियट साहब को। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी डिवाइसेस डज टीएस इलियट्स यूज इन द वेस्टलैंड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड डिसलोकेशन, मतलब जो डिसलोकेशन किया गया, मतलब लोकेशन को इधर उधर किया गया। क्या किया गया? लोकेशन को इधर उधर किया गया। ठीक है जी, अब जरा बताइए उसे, राइम एंड मेटर, नहीं है भाई साहब। वो क्या था? वो भ्रम था। क्या था? भ्रम था। ठीक है ना, इमेजरी मेटाफर, नहीं। इमेजरी तो हो सकता था लेकिन इल्यूजन मतलब भ्रम और कोटेशन था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन टीएस इलियट्स पोएट्री? कौन सी टीएस इलियट के पोएट्री में एक मेजर इन्फ्लुएंस प्रतीत होता है, प्रभाव दिखाई देता है? द बाइबल
एंड क्रिश्चियन थियोलॉजी। जी हां दिखता तो है, दिखता तो है। ग्रीक एंड रोमन माइथोलॉजी ये भी दिखता है। विलियम शेक्सपियर्स प्ले, इनको तो हम कई बार आपको डिस्कस किए, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? एबव ऑल, सभी का सभी, इसका आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन टी एस इलियट्स पोएट्री? सो दैट इज द बाइबल एंड क्रिश्चियन थियोलॉजी, दैट इज द ग्रीक एंड रोमन माइथियोलॉजी, दैट इज द विलियम शेक्सपियर्स प्ले। हाँ, मतलब कि तीनों हैं तो एबव ऑल होगा, एबव ऑल होगा। ठीक है जी, अगला, वॉट वॉज द टाइटल ऑफ टी एस इलियट्स, टी एस इलियट्स लास्ट मेजर वर्क पब्लिश्ड इन 1948 में, कौन सी? इन्हीं 1948 में इनको नोबल प्राइज इन लिटरेचर भी मिला था, और इसी 1948 में इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट भी रिवॉर्ड दिया गया था, और इसी में एक बहुत ही फेमस इनकी वर्क पब्लिश हुआ था मेरे दोस्त, एक मेजर वर्क कह सकते हैं, दैट इज नॉट वेस्टलैंड, That is four quartets. क्या है? That is four quartets. ये publish हुआ था. Understand clearly, guys? अगला, which of the following work by T.S. Eliot is T.S. Eliot is a verse drama? एक verse drama है. जरा बता दीजिए आप सभी लोग, एक verse drama कौन सा है इन following में से? द वेस्ट लैंड है? नो, इट इज नॉट अ वर्स ड्रामा। फोर क्वार्टेट्स है? नहीं, क्वार्टेट्स है नहीं। एस वेडनेसडे है? नहीं, आस वेडनेसडे। मर्डर ऑफ, मर्डर इन द कैथेड्रल, कैथेड्रल क्या है? मर्डर इन कैथेड्रल। अंडरस्टैंड क्लियरली गाइस, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज दैट, Which of the following lines from T.S. Eliot's The Love Song of J. Alfred Prufrock suggests the speaker's sense of isolation and alienation? Do I dare? Nahi. It is from Westland. In the room women come and go. No, no, no. I have measured out my life with coffee spoons. एकदम सही है, with coffee spoons. एकदम सही है. What was T.S. Eliot's position before he became a full-time writer? कि वो एक क्या? What was T.S. Eliot profession before? मेरे भाई, वो T.S. Eliot का profession क्या था जब तक वो full time के लिए writer नहीं हुए थे? उससे पहले उनका क्या creation था, बता सकते हैं? सोच समझ के बताइए आप लोग। Think and tell us, what a word, मेरे दोस्त। He was a lawyer? No. He was a doctor? No. He was a teacher? No. He was a banker, क्योंकि अकाउंटेंट का कार्य कर रहे थे, तो ही वॉज अ बैंकर। विच लिटरेरी मोमेंट डिड टी एस इलियट हेल्प टू एस्टैब्लिश एंड पॉपुलराइज? ये आ चुका है, मॉडर्निज्म। क्या है? मॉडर्निज्म। इसीलिए उन्हें मॉडर्न एज पोएट राइटर्स या पोएट या फिर एसेइस्ट कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाई टी एस इलियट was inspired by his conversion to Christianity? कौन सी है, कौन सी inspired करती है उनको, जरा बता दीजिए। Is that Wesley? No. Westland? No. Is that the love song of J. Alfred Prufrock? No. It was four quartets. It was four quartets. What a four quartets. Understand clearly? Next, what was the title of T.S. Eliot's play
फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1935 दैट एक्सप्लोर्स द मार्टरम ऑफ थॉमस बेकेट? थॉमस बेकेट बताइए. द वेस्टलैंड, नो. द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक, नो. फोर क्वार्टर्स, नो. इट इज मर्डर इन द कैथेड्रल. मर्डर इन द कैथेड्रल. अगला वर्ड बताइए आप सभी लोग. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इन टी एस इलियट इज कंसीडर्ड अ रिस्पॉन्स इन द डेवास्टेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट? वॉट इज इट? इज ऑप्शन ए द वेस्टलैंड. ये वेस्टलैंड जो होता है यही इन्होंने इससे पहले संबोधित करते हैं. बोलो हां कि ना जी. Which of the following literary magazines did T.S. Eliot edit? कौन सा edit किए थे मेरे दोस्त? New York Yorker, नहीं. Atlantic Monthly, नहीं. Criterion, हाँ, इनसे बहुत संबंधित है Criterion. Criterion को इन्होंने edit किया था. क्या किया था मेरे दोस्त? Edit किया था. Understand clearly or not? Yes. Is that? Which of the following poets was not an influence, not influence on T.S. Eliot? कहां पे कौन सा नहीं influence करता है T.S. Eliot को? दांते, अलिगेरी, ये तो एकदम करते हैं, तो ये नहीं होगा इसका आंसर. ये करते हैं विलियम शेक्सपियर, ये भी करते हैं. जो नहीं करता है, was not influenced an, जो नहीं influenced करता है poets, जॉन कीट्स करता है. क्या पीबी सेली साहब से? किसे? पीबी सेली. क्या है? परसी पाइसी सिली बाइसी सिली. परसी बाइसी सिली पीबी सेली मोस्टली बोलते हैं इनको. व्हाट वाज द टाइटल ऑफ टीएस इलियट्स फर्स्ट प्ले which was also his only commercially successful one? कौन सी successful थी commercially? जरा बताइए. That was the cocktail party. वो क्या थी मेरे दोस्त? That was a cocktail party. Which of the following work by T.S. Eliot's? T.S. Eliot is a collection of essays on literary criticism. Is that? No. Is that? No, no, no. The Westland, गलत है. The Love Song of J. Alfred Prufrock, गलत है. The Four Quartets, Tates, गलत है. The Sacred Wood होगा. The Sacred Wood. क्या है मेरे दोस्त? The Sacred Wood है. Understand clearly? Any doubt and any problem? No doubt should be kept in your mind. In which year did T.S. Eliot receive the Nobel Prize in Literature? किस साल? 1948 में उन्होंने क्या किया था? Nobel Prize उनको मिला हुआ था 1948 में. कई बार हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं. What was the title of T.S. Eliot's the last major work published posthumously in 1969 में उनका कौन सा पब्लिश हुआ था? दैट वॉज एल्डर स्टेट्समैन. ये हम लोग कर चुके हैं, इसलिए इसमें ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कॉमन टाइम इन टीएस इलियट्स कॉमन थीम इन टीएस इलियट्स पोएट्री? कौन सा कॉमन थीम नहीं है? रिलीजन है, रिलीजन है, सही है. लव है, सही है. डेथ है. नेचर नहीं है इनके. कॉमन थिंग्स नहीं है नेचर. वैसे नेचर आता है लेकिन कॉमन नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाई टी एस इलियट इज अ पोएटिक ड्रामा एंड टेक्स प्लेस इन अ सिटी लंदन नेबरहुड? कहां पे? जरा बताइए. द वेस्टलैंड है? नहीं. द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक है? नहीं. फोर क्वार्टेट्स है? नहीं.
द रॉक है, क्या है मेरे दोस्त? द रॉक है। अंडरस्टैंड क्लियरली गाइस, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? नो डाउट शुड बी टेकन। When lovely woman stoops to fully and paces about her room again alone, she smooths her, जरा बता दीजिए इसमें क्या होगा? ये सी स्मूथ्स हर हेयर, ऑटोमेटिक लैंड मेरे दोस्त, वो लाइन है आपका द वेस्ट लैंड से। कहां से है मेरे भाई? वो है द वेस्ट लैंड से। टाइम प्रेजेंट एंड टाइम पास, टाइम प्रेजेंट एंड टाइम पास, जैसे ये सब आ जाए तुरंत आपके दिमाग में एक ही चीज चलना चाहिए, दैट इज बर्ट नोटर नोटोन। क्या है? बर्ट नोटोन। वॉट वी कॉल द बिगिनिंग, वॉट वी कॉल द बिगिनिंग इज ऑफन द एंड, इज ऑफन द एंड। जरा बताइए ये कहां से है? ये लिखा है मिस्टर टी एस इलियट साहब ने लिखा है, और ये उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ भी रहे हैं, थॉमस स्टर्न इलियट ने। विच बुक अराउज्ड इंटरेस्ट इन टी एस इलियट इन द पोएट्री ऑफ लेफोर्ग्यू इन फ्रेंच सिंबोलिस्ट में, जरा बताइए क्या है मेरे दोस्त? दैट इज ऑर्थर सिमोन्स द सिंबलिस्ट मोमेंट्स, ये है ऑप्शन ए। क्या है मेरे दोस्त? दैट इज ऑप्शन ए। क्रिटिसिज्म मस्ट ऑलवेज प्रोफेस एन एंड इन व्यू, इट्स फंक्शन इज टू प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉयमेंट ऑफ लिटरेचर। Who said this? किसने कहा? मैथ्यू अर्नोल्ड साहब ने कहा? नहीं। डॉक्टर जॉनसन ने कहा? नहीं। टी एस इलियट ने कहा? यस। Who said? It is said by टी एस इलियट के द्वारा कहा गया है। Who asserted himself as a classicist in literature, royalist in politics and Anglo-Catholic in religion? ये टी एस इलियट साहब ने कहा, जहां कैथोलिक की बात आ जाए, एंग्लोइस्ट की बात आ जाए, ओनली वन एंड ओनली द पर्सनालिटी मिस्टर थॉमस स्टर्न इलियट। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वॉज प्रोपाउंडेड बाई वन एंड ओनली पर्सन मिस्टर टी एस इलियट। किसके द्वारा? टी एस इलियट के द्वारा। ठीक है मेरे दोस्त, अगला बताइए। टी एस इलियट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ, क्या डिक्लेयर करते हैं? रोमांटिसिज्म नहीं, पोएटिक ड्रामेटिस्ट नहीं, पेंटर नहीं, कैथोलिक उन्होंने अपने आप को क्या किया था? तभी तो लिखे थे द मर्डर ऑफ कैथेड्रल। हु इज द ओपिनियन, हु is of the opinion the complexity of the modern poetry is the result of complexity of the modern life, it is opinion of Mr. T.S. Eliot with Thomson Stern Eliot. Is that in which essay has T.S. Eliot put his views on the impersonality of poetry and poetic process? Bataiye, what is that? That is tradition and the individual talent. That is tradition and the individual talent. Understand clearly? Ye rahe mere dost aaj ke aapki class kiski? Mr. Thomas Stern Eliot ki. Thomas Stern Eliot jo hai, ye bahut hi kamal ke modern age ke person rahe hain, एसेइस्ट कह लीजिए, पोएट कह लीजिए इनको, और बहुत सारे ड्रामा भी इन्होंने लिखा, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी, तो मेरे दोस्त बहुत ही फेमस रहे, ये काफी हद तक फेमस रहे, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो एक एक बातें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेगमेंट वाले हैं। तो आज की क्लास को बस यहीं पे हम लोग फिनिश करते हैं मेरे दोस्तों। आप सभी लोगों को बस एक ही काम ये है कि आप सभी लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होगा।
देखिए प्रैक्टिस ही सब कुछ है। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि प्रैक्टिस ना करें प्रैक्टिस ना करें, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ लीजिए बहुत खतरनाक परिस्थिति होने वाली है आप लोगों के साथ में। ठीक है मेरे दोस्तों, आप सभी लोग जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें, और जो भी आपको प्रॉब्लम होती है आप सभी लोग कॉमेंट करके जरूर बताएं कि सर आई एम फीलिंग दिस प्रॉब्लम, ताकि हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। बस इन्हीं दो तीन राइटर्स के बाद हम लोग फटाफट जल्दी से जल्दी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्या मेरे दोस्त, स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। पहले हम लोग इनकी इन सभी पोएट्स के बारे में पढ़ लिए, जितने वर्क्स, जितने एसेस्ट हैं, जितने भी नॉवलिस्ट हैं, उन सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब जल्द से जल्द हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अभी तो हम लोग मैथ्यू अर्नोल्ड साहब को पढ़ेंगे, कमला दास को पढ़ेंगे, मुल्क राज आनंद को पढ़ेंगे, नसीम इजिकल को पढ़ेंगे, बहुत सारे अभी राइटर्स बचे हुए हैं। नियर अबाउट अभी हमारे 11 और 10 के करीब करीब हुए हैं, अभी 7 राइटर्स हमारे बचे हुए हैं। तो मेरे दोस्त आज की क्लास को बस यहीं तक हम लोग फिनिश करते हैं, तब तक के मिलते हैं अगली क्लास के लिए, अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।